नमस्कार साथियों, मैं संजय शर्मा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बाड़मेर में यांत्रिकी के प्रवक्ता पद पर कार्यरत हूँ। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग EOQ भी बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं मितव्ययी आदेश मात्रा। तो शुरुआत अगर हम करना चाहें EOQ की, तो इसको अपन कॉमन लैंग्वेज में ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे अपन को कोई भी चीज़ चाहिए होती है, भले अपने रसोई में या और भी कहीं कोई सामान चाहिए होता है, तो अपन एक चीज़ का खास ध्यान रखते हैं कि हमें वो जो क्वांटिटी मंगानी है, जो मात्रा मंगानी है, वो कितनी होनी चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा अगर हम मंगाते हैं तो भी कई तरह से ठीक नहीं रहता है, और अगर हम बहुत कम मात्रा मंगाते हैं तो भी ठीक नहीं रहता है। तो बेसिकली जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो ये EOQ जो होता है, जो मितव्ययी आदेश मात्रा होती है, इसका बहुत महत्व होता है। क्योंकि इसमें ज़्यादा या कम अगर हमने मंगा ली अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो कई बार बहुत महंगा पड़ सकता है। तो ये एक हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें कितना ऑर्डर करना है कोई भी सामान। क्योंकि हम कोई भी सामान जब ऑर्डर करते हैं तो उसमें कई तरह की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए हमें ये एक जो निर्णय लेना होता है किसी भी बिजनेस को अच्छी तरह से चलाने के लिए, ये कि कितना ऑर्डर हमें करना है, कितना मात्रा में हमें लेनी है कोई चीज़, उसका बहुत महत्व है। तो जो हमारी जो क्वांटिटी है वो ना तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही बहुत कम होनी चाहिए। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो EOQ यानी मितव्ययी आदेश मात्रा या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो साइज होती है लॉट की जो कि हमें खरीदना है और जो कि इकोनॉमिकली वायबल हो या फिजिबल हो, यानी कि हमारे को उस मात्रा को मंगाने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, उसको रखने की कॉस्ट है, उसकी लेबर कॉस्ट है, वो हमें मिनिमम होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो EOQ है यानी मितव्ययी है, है ना। तो क्वांटिटी एट विच इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, अगर हम लोग कोई ऑर्डर करते हैं तो वो उसमें कौन कौन सी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है वो हमें देखना होता है। जैसे ऑर्डर कॉस्ट वो होती है कि हम लोग कितनी मात्रा में कितने ऑर्डर कर रहे हैं। अजम्पशन क्या माना जाता है इसमें, कि इसमें हम ये मान रहे हैं कि हम लोग अपनी जो इन्वेंट्री है यानी जो सामान रखने वाली जो है वो जो है उसमें हम सिर्फ दो ही तरह की कॉस्ट या दो ही तरह की हमारी जो खर्चे होते हैं वो हम मानते हैं, जिसमें हम लोग एक तो मानते हैं ऑर्डर कॉस्ट यानी आदेश, जो हम लोग आदेश कर रहे हैं, जो ऑर्डर कर रहे हैं उसमें कितनी कॉस्ट लग रही है, उसमें कितना खर्चा हो रहा है। इसमें अब दो तीन तरह की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है ऑर्डर कॉस्ट में भी। एक तो ट्रांसपोर्टेशन, कि आप जो चीज़ मंगा रहे हो उसको वहाँ से लाने में कितना खर्चा होता है, वो एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है। फिर उसकी मान लीजिए आपको उसको ढुलाई करवानी है, उसको उतरवाना है, तो आपको उसके लिए लेबर भी चाहिए होगी, तो एक लेबर कॉस्ट भी उसमें इन्वॉल्व होती है। एक होती है फिर कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट मतलब अपन कोई भी जब अपन ने सामान मंगाया है तो उसको रखने के लिए हमें जगह चाहिए, तो वो हम लोग गोडाउन भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारी वहीं पर हमारा बड़ा है, मान लीजिए जिसमें हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस प्रेमिसेस हैं, वो अगर हमने वो बड़ा, तो वो भी जगह उसके लिए जो चाहिए होती है वो कैरिंग कॉस्ट है। अब आप कोई चीज़ रखते हो तो उसके लिए वो ख़राब नहीं हो, उसके लिए हम उसका इंश्योरेंस भी कराते हैं, तो वो भी जो कॉस्ट होती है वो इसमें इन्वॉल्व होती है कैरिंग कॉस्ट। अच्छा, अगर हम इसको ग्राफिकली समझते हैं तो आप देखिए कि एक ये ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, ये जो एक्सिस है इस पे हम लोग एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, वाई पे हम लोग ले रहे हैं एनुअल कॉस्ट ले रहे हैं, और ये एक्स एक्सिस है इसमें हम लोग EOQ देख रहे हैं और क्वांटिटी देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो ऑर्डर कॉस्ट है, देखिए ऑर्डर कॉस्ट ये जो आपको दिख रही है, ये वाली लाइन ऑर्डर कॉस्ट बता रही है। अच्छा, जितना आप ऑर्डर करेंगे, अगर मान लीजिए आपने कोई 10 पैकेट किसी चीज़ के ऑर्डर किए, अब 10 पैकेट के लिए भी उतनी कॉस्ट लगेगी। अगर आप 50 ऑर्डर करते हैं तो उसमें हो सकता आपको कॉस्ट कम पड़े,
क्योंकि अगर आप मान लीजिए किसी एक टेम्पो से, लोडिंग टेम्पो से कोई सामान मंगाते हैं, तो अब अगर वो एक पैकेट आ रहा है या दो पैकेट आ रहा है तो भी कॉस्ट आपकी बराबर ही लगनी है, लेकिन अगर आप ज़्यादा मंगाते हैं तो वो आपकी जो है ऑर्डर कॉस्ट वो आपकी कम होती जाती है, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख रहे हैं। एक होती है जैसा कि आप देख रहे हैं जो सीधी लाइनें जा रही है जीरो एक्सिस से शुरू होके, इसको हम लोग बोलते हैं होल्डिंग कॉस्ट। ये सीधी सी बात है, जितना अगर हम लोग माल मंगाएंगे या जितना आप सामान इकट्ठा करके रखेंगे उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, तो इसलिए ये बढ़ रही है लगातार। देखिए आप, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया कई तरह कॉस्ट है, गोडाउन अगर ज़्यादा सामान है तो आपको गोडाउन भी उसके हिसाब से लेना पड़ेगा, तो किराया भी उसका ज़्यादा होगा उसको रखने की। इसके अलावा अगर ज़्यादा मात्रा में सामान है तो उसका इंश्योरेंस कॉस्ट वगैरह है वो भी आपकी ज़्यादा होगी। और ये जो दोनों कॉस्ट हैं, हम लोग दो ही कॉस्ट इसमें कंसिडर कर रहे हैं, जो दोनों कॉस्ट है उसको मिला के हम लोग टोटल कॉस्ट की बात करते हैं, जो कि आप इस तरह से देखिए, ये जो है ये टोटल कॉस्ट, यहाँ पहले तो ये कम हुई है और उसके बाद बढ़ती, क्योंकि होल्डिंग कॉस्ट आपकी बढ़ती आ रही है, भले ऑर्डर कॉस्ट कम हो रही है पर इन दोनों का लगभग एवरेज अगर देखा जाए तो एक लेवल पे आने के बाद ये कम होती है और उसके बाद ये बढ़ती है। तो ये ईओक्यू जो है, ये जो लोएस्ट पॉइंट इसका आपको दिख रहा है, ये ईओक्यू होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एक लेवल तक तो ये जो है डाउन होगी, तो ये जो डाउन होगी ना, यहाँ पर कॉस्ट मिनिमम होगी आपकी, तो यही जो क्वांटिटी होती है हम ग्राफिकली भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमें एनुअल कॉस्ट पता है और इस एक्सिस पे भी हमें ये पता है कि भाई हमें यहाँ पर कितनी ईओक्यू वाली जो क्वांटिटी वाली जो लाइन है इस पे, तो ईओक्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। जो आपका ये वाला एक्सिस है एक्स एक्सिस, इस पे हम लोग क्वांटिटी बताते हैं, इस पे एनुअल कॉस्ट मंगाते हैं, और दोनों जब हम लोग करते हैं ड्रॉ उसके बाद जो टोटल कॉस्ट की जो लाइन आती है वो इस तरह से आती है, और जो लोएस्ट उसका पॉइंट होता है वो आपकी नॉर्मली ईओक्यू होती है। तो एक बार हम लोग फिर रिपीट कर लेते हैं कि जो ऑर्डर कॉस्ट होती है, ऑर्डर कॉस्ट में देखिए इंस्पेक्शन कॉस्ट, अगर हमको कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं तो जब हम चीज़ मंगाते हैं तो उसको इंस्पेक्शन भी हमें उसका करना पड़ता है, उसके लिए हो सकता है आपको अलग से लोग रखने पड़े, इंस्पेक्टर्स रखने पड़े, तो एक कॉस्ट वो भी इन्वॉल्व होती है। स्टेशनरी कॉस्ट भी होती है कि हम ऑर्डर करते हैं तो स्टेशनरी जो है ना लिखने और इसके लिए जो होती है टाइपिंग कॉस्ट भी होती है, पोस्टेज होती है, आजकल तो पोस्टेज कम हो गया है, नॉर्मली लोग मेल वगैरह से भी करते हैं, कुरियर चार्जेस समझ लीजिए पोस्टेज की जगह आप, और एक होती है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो तो बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, इसको हम लोग ऑर्डर कॉस्ट को हम लोग बाइंग कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक बार फिर बताता हूँ, कैरिंग कॉस्ट जो उसको कैरी या होल्डिंग कॉस्ट यानी उसको जो रखने का, जो हमने सामान मंगाया है उसको रखने के लिए हम लोग जो किराया देते हैं गोडाउन का, या अगर उसमें कोई टूट फूट होती है तो वो भी हम इस कॉस्ट में ही इंक्लूड करते हैं। इसके लिए अलावा हम लोग जो उस सामान का इंश्योरेंस कराते हैं वो भी इसी कॉस्ट में आती है। इन्वेंट्री में जो कैपिटल हमने इन्वेस्ट करी है इन्वेंट्री में, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, इंश्योरेंस कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ स्पॉयलेज इन हैंडलिंग द मटेरियल, जैसा मैंने आपको अभी बताया। इसके बाद हम लोग, अगर आपको ईओक्यू कैलकुलेट करना है यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, उसका डेरिवेशन भी हम आपको बताएंगे। उसका फॉर्मूला जो है वो आप देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं ईओक्यू बराबर है अंडर रूट 2 इंटू ए इंटू पी बाई सी। तो जो ए है जो यहाँ पर वो है एनुअल डिमांड, वार्षिक आपको कितना सामान चाहिए वो ये बताता है ए। पी का मतलब होता है ऑर्डर कॉस्ट या प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, कोई भी चीज़ हम ऑर्डर करते हैं तो उसके लिए हमें कितना, उस ऑर्डर को कंप्लीट करने में जो हमें कॉस्ट लग रही है उसको हम लोग प्रोक्योरमेंट कॉस्ट भी है, वो भी हम ये पी से डिनोट करते हैं। और सी का मतलब होता है कैरिंग या होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। अब ये अलग अलग किताबों में अलग अलग हो सकता है, ए हमने जो इनके लिए हैं, ए का मतलब एनुअल डिमांड, पी का मतलब प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, और सी का मतलब कैरिंग या होल्डिंग कॉस्ट प्रति यूनिट होती है ये। अब हम आप उसको इसका डेरिवेशन बताते हैं। डेरिवेशन में हम लोग पहले कुछ चीज़ें बना लेते हैं कि हम ये मानते हैं कि जो एनुअल डिमांड हमारी है यूनिट्स में वो है ए, ठीक है। उसके बाद हम टोटल परचेज ऑर्डर जो कॉस्ट होती है, जितने ऑर्डर कर रहे हैं वो हम लोग पी मान रहे हैं, और कैरिंग जो कॉस्ट है या होल्डिंग कॉस्ट मैंने आपको बताया प्रति यूनिट वो है सी, और एवरेज हम इसमें क्वांटिटी जो मानते हैं वो है क्यू। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं भाई, अगर हम मैक्सिमम कोई मंगाते हैं सामान
वो एक क्वांटिटी होती है, जब हम लोग पूरा सामान मंगा लेते हैं उसके बाद वो खत्म होने को आता है तो एक मिनिमम क्वांटिटी होती है। तो हम ना तो मैक्सिमम रखना चाहते हैं ना मिनिमम रखना चाहते हैं, हम बीच की क्वांटिटी, इसको एवरेज क्वांटिटी मान लेते हैं, जो कि मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज होता है। तो अब टोटल कॉस्ट देखिए, अगर हम लोग कोई सामान मंगाते हैं या ऑर्डर करते हैं तो टोटल कॉस्ट में दो तरह की कॉस्ट मैंने आपको बताई थी पहले, कि एक तो ऑर्डर कॉस्ट, टोटल ऑर्डर कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट, हमने यही दो तरह की कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व करी है। तो टोटल ऑर्डर कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, भी हम कितने ऑर्डर किए हैं और एक ऑर्डर करने के लिए आपको कितनी कॉस्ट लग रही है, प्लस जो टोटल कैरिंग कॉस्ट है उसमें नंबर ऑफ यूनिट्स होती हैं कितनी भी हैं और उसकी कैरिंग कॉस्ट प्रति यूनिट। तो इसमें हम लोग जो देखेंगे वो है, अच्छा नंबर ऑफ ऑर्डर्स हम कैसे निकालेंगे कि एनुअल हमारी जो डिमांड है वो कितनी है और लॉट साइज हम एवरेज जो है वो कितनी है, इनटू हम लोग उसको पी, जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऑर्डर के लिए पी है तो इतने अगर ऑर्डर हैं तो टोटल कॉस्ट इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे। और दूसरी जो कॉस्ट मैंने बताई एवरेज इन्वेंट्री लेके क्यू बाई टू, जो कि मैक्सिमम प्लस मिनिमम बटा दो, इसको हम लोग एक जो प्रति यूनिट है कैरिंग कॉस्ट की उससे हम लोग यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपकी ए अपॉन क्यू इंटू पी प्लस क्यू बाई टू इंटू सी। अब देखिए हम ये जानते हैं कि जब भी हमें कोई चीज़ मैक्सिमम या मिनिमम कैलकुलेट करनी होती है तो हम लोग उसको डिफरेंशिएट करते हैं विद क्यू। तो हम लोग अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो टोटल कॉस्ट आपकी जो कांस्टेंट है ये जीरो हो जाएगी, और डी बाई डी क्यू ए पी अपॉन क्यू का इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और डी बाई डी क्यू सी क्यू अपॉन टू का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसमें ए पी कॉन्स्टेंट है तो एज इट इज रहेगा, उसके बाद जो वन अपॉन क्यू है उसका जो अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्यू तो दैट विल बी माइनस वन अपॉन क्यू स्क्वायर, और इसमें जो क्यू है वो डी क्यू बाई क्यू वन हो जाएगा और सी बाई टू चूंकि कॉन्स्टेंट है तो वो कॉन्स्टेंट सी बाई टू रहेगा। इसके बाद हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और अल्टीमेटली जो आपका जो फॉर्मूला है अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा जो आपका Q है वो इज इक्वल टू अंडर रूट टू इंटू ए जो कि एनुअल डिमांड है, P मतलब प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है और अपॉन C यानी कैरिंग कॉस्ट। इसके लिए हम लोग एक सॉल्व एग्जांपल सिंपल सा आपको करवाते हैं जिससे कि आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब हमें किसी भी ऑर्डर के लिए ई ओ क्यू कैलकुलेट करना है, तो उसमें हमें ये डेटा दे रखा है कि एनुअल कंजम्पशन यानी वार्षिक जो डिमांड है वो कितनी है, 6000 यूनिट है। कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग जो है, एक ऑर्डर को हमने कॉस्ट जो हमें वो पड़ रही है वो है 60 रुपये, और कैरिंग कॉस्ट प्रति यूनिट आपको दे रखी है 2 रुपीज़। तो जो 6000 है वो तो ए हो गया, और जो कॉस्ट ऑफ ऑर्डर हो गया या प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है वो आपकी 60 हो गया पी, और कैरिंग कॉस्ट जो सी से हम डिनोट करते हैं इस फॉर्मूले में वो है 2। तो ई ओ क्यू का जो फॉर्मूला है वो है अंडर रूट 2 इंटू ए पी अपॉन सी। तो इसमें वैल्यूज रख देंगे हम 2 इंटू 6000 इंटू 60 अपॉन 2, ये आ जाएगा आपका, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये यूनिट आ जाएगी पूरी 600 यूनिट। उम्मीद करता हूं कि ये जो अब आपको टॉपिक है ईओक्यू क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।